विधानसभा का ये परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के लिए सुखद और उत्साह लेकर आया है और प्रारंभ से ही भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले बिंद्रा नवागढ़ को कांग्रेस ने भेद भी दिया और यहां से कांग्रेस के जनकलाल ध्रुव ने विजय हासिल की है। यह कांग्रेस और जनकलाल ध्रुव के लिए बड़ी उपलब्धि रही, जिसका मुख्य कारण जनक ध्रुव के लगातार बीते 10 सालों से बिंद्रा नवागढ़ का दौरा कर एक एक व्यक्ति से उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाया, जिसका सुखद परिणाम उन्हें देखने को मिला है। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव को विजय का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जनकलाल ध्रुव ने कहा कि उनके बीते 10 सालों के लगातार बिंद्रा नवागढ़ का दौरा, मेहनत और कार्यकर्ताओं के प्रयास के बदौलत उन्होंने बिंद्रा नवागढ़ का इतिहास बदला है। नियम के तहत ऐसा करने का था, वो सारी बात चर्चाएं की है। उसके बाद जो 5 बूथ का जो काउंटिंग होना रहता है उसको रिकाउंटिंग के लिए जो किया गया था उसको काउंट किया, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं।